हेलो भाई, मैं ऋषभ सिसोदिया। तो भाई, ये अपने साइन दिया 15 मॉडल BS4 के साथ। तो ऐसे भाई, हर कोई बंदा कंफ्यूज रहता है कि हमें साइन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो भाई, वैसे 2015 मॉडल है, तो हर कोई बंदा कंफ्यूज रहता है कि हमें साइन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो आज हम पूरे डाउट क्लियर करेंगे कि आपको साइन पुराने मॉडल के साथ जाना चाहिए या 2021 के साथ। तो भाई चलो, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ ही गाड़ी को ना सोवित भाई। तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चैनल। तो सोवित भाई, कोई खास वजह साइन लेने की? हाँ, इसका 125 cc साइन है। हाँ, मॉडल मुझे पसंद आया। उसके बाद मुझे लीवो भी देखी मैंने। हाँ, लीवो की तरफ क्यों नहीं गए? लीवो की तरफ मुझे उसका पसंद नहीं आई। क्यों? हल्के। हाँ, तो आपने उसको कर दी बाहर, कैंसिल कर दी। हाँ, फिर उसके बाद में पल्सर को भी देखी मैंने। पल्सर भी देखी थी? हाँ, पल्सर को भी देखी। मुझे 5 साइन देखे, मतलब आपका बजट था, मतलब आपने घर से पूरा मूड बना गए थे कि मुझे साइन ही लेनी है। मेरा बजट जो था वो साइन का था 80 से 90 हज़ार। हाँ, पीक का भी नहीं थी उस टाइम 2015 में। हाँ भी था, मुझे साइन लेना। हाँ, मतलब बचपन का सपना बोलते हो। हाँ, भाई आपने पल्सर को बाहर क्यों कर दी? देखो, पल्सर का थोड़ा मुझे नहीं आया, मेरा बजट भी थोड़ा बजट से ऊपर हो रही थी पल्सर। हाँ, हाँ। चक्कर में मैंने पल्सर नहीं ले पाया, इस चक्कर में साइन का सोचा तो मैंने साइन ले लिया। मतलब पूरी बात कुल मिला के ये कि आपका बचपन का सपना था। मेरा बचपन का सपना ही साइन था लेने का। पर आपने घर पे सोच के गए थे कि साइन ही लेना है? मैंने घर से सोच के ही गया था कि साइन। तो सुमित भाई, वैसे आपने 2015 में गाड़ी लेने गए, तो आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? मैंने इसके बाद लीवो देखी थी। लीवो मुझे मजा नहीं आया, फास्ट बहुत हल्के थे, चक्कर में मैंने लीवो नहीं ली। पल्सर देखी, पल्सर में मुझे कोई स्टेज नहीं दिखा। चक्कर में मैंने फिर साइन की ओर गया। हाँ, साइन मुझे लगी सही। साइन में आपको ऐसी क्या खास बात लगी थी आप साइन की तरफ गए? पिकअप बहुत बढ़िया लगा। हाँ, उसके बाद साइन का लुक भी बहुत बढ़िया था। चक्कर में मैंने साइन ली। साइन लेने की सोच भी पक्के घर से गया था सोच के। हाँ, चक्कर में साइन ली। भाई बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी है, पल्सर को तोड़ देती है। मतलब जो 2015 मॉडल की साइन पिकअप बड़ा तगड़ा इस गाड़ी का। चक्कर में साइन ली। हाँ, तो भाई आप किसी को, मतलब ऐसे 2021 में साइन आ रही है, बहुत सारे बंदे कहते हैं कि बहुत हल्की बॉडी है उसकी और पिकअप भी तो सही नहीं है 2015 के बराबर, तो आप कुछ बोलोगे इसके बारे में? सही है, बहुत मजबूत आती थी। ये देखो, हाँ, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी सही है इस गाड़ी की, एकदम बिल्ड क्वालिटी। हर चीज देखो इसकी, पहले ये टैंकी है, पहले ये देखो बहुत मजबूती है। तो सोवित भाई, ये बात कर लेते हैं अपन माइलेज की। तो भाई आपको इतने साल हो गए चला चलाते, आपको भाई माइलेज कितना देती है वैसे गाड़ी? ये गाड़ी माइलेज का 50 से 60 के बीच में था। था तो अभी कितने का दे रही है आपको? इस बार वो इसका माइलेज कम होगा, इसका होगा 40-45 के बीच में दे रही है। तो इतना कम इसका? कम में रफ चलाता हूँ, चक्कर में रफ कम। तो मतलब आपको पहले यादें देती थी? हाँ, पहले यादें देती थी, अब कम कर दिया। हाँ। तो यार, आपने शोरूम पे कुछ बोला उन्होंने उनसे कि मतलब भाई माइलेज कम कर दिया गाड़ी ने? बोला था अभी तो। हाँ। बोल रहे थे इसके आपके रफ के हिसाब से रफ चलाते हो ज्यादा ही, मैं रफ ज्यादा चलाता हूँ चक्कर इस कारण। तो आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? मतलब कम देती है फिर भी माइलेज? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। मतलब आपको पावर भी मिल रही है उस हिसाब से? वो तो पावर ही फुल मिल रही है चक्कर में। तो ये बात कर लेते हैं सर्विसिंग कॉस्ट की। तो ये सर्विसिंग कॉस्ट हुआ कितने आती है 2021 में? 2021 में इसकी सर्विस कॉस्ट 2000 से 2000 के लगभग में आ जाती है। 2000 में क्या क्या चेंज करते हैं इसे? वो 2000 में इसका फिल्टर चेंज करते हैं। हाँ, उसके बाद ऑयल चेंज हर सर्विसिंग में करते हैं, मतलब चेंज हर सर्विसिंग में फिल्टर चेंज होता है। हाँ, इसके बाद ऑयल भी चेंज होता है। हाँ, ऑयल आता है 280 रुपये का पड़ता है इसका ऑयल। हाँ, और बाकी लेबर चार्ज वगैरह आता है इसका क्या? चेनिस पैकेट। हाँ, हदान इसका चेनिस पैकेट चला जाता है। हाँ, उसके बाद बेयरिंग ऑयल चले जाते हैं पहिए के। हाँ, इसके बाद सभी गाड़ी का लेबर चार्ज लग जाता है। लेबर चार्ज लगता है 350 रुपये। हाँ, इसके बाद भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि साइन की सर्विसिंग कुछ ज्यादा हो रही है 2000 के हिसाब से? नहीं, इससे 2021 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर रफ चलाता है उसके कारण हदान इसके फास्ट ऑयल चेंज करवाने पड़ता है मुझे, चेनिस पैकेट का हदान चला जाता है। तो आप मतलब सर्विसिंग कॉस्ट से पूरा सेटिस्फाइड हो? हाँ जी। तो भाई आप किसी को रिकमेंड करेंगे 2021 में साइन की तरफ जाना? नहीं, इसके कारण मैं 2015 से 2018 के बीच की साइन लेने की रिकमेंड करूंगा। भाई क्यों? क्योंकि इसके जो 2021 का मॉडल है। हाँ, वो मुझे पसंद थोड़ा कम आया। उसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसी है क्वालिटी इस चक्कर में मुझे नहीं आया। तो
मतलब आप भाई पूरा सेटिस्फाइड हो, मतलब जो अपनी दया 15 से 18 के बीच में आती है साइन, 2021 से सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं, 2021 से नहीं हूँ, 18 और 15 के बीच की सेटिस्फाइड। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए धन्यवाद शोभित भाई। गाड़ी कंप्लीट होने से रिव्यू भैया ने आपको बताया कि कौन सी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए, पुरानी वाली या न्यू वाली। भाई वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पुरानी वाली की तरफ ही जाएं, क्योंकि आपका पावर भी मिल रही है और बिल्डिंग क्वालिटी भी सही है। 2021 में आपको उसमें बिल्डिंग क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो भाई ये था गाड़ी कंप्लीट होने से रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।